नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहसी। टाटा ग्रुप बहुत जल्द एप्पल के लिए फोन तैयार करेगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा ग्रुप ताइवान के सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ बातचीत कर रहा है। बातचीत सफल होने पर असेंबल यूनिट लगाई जा सकती है। बताते चले कि विस्ट्रॉन कॉर्प एप्पल की पार्टनर कंपनी है। ये कंपनी चेन्नई के पास श्री पेम्बदूर में आईफोन बनाती है। खबर के मुताबिक विस्ट्रॉन कॉर्प को प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर सप्लाई चेन और असेंबली में महारत हासिल है। टाटा ग्रुप इसी विशेषज्ञता से फायदा लेना चाहता है। अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो टाटा ऐसी पहली कंपनी बन जाएगी जो आईफोन बनाएगी। वैसे फिलहाल इस डील को लेकर ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन के साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक हिस्सा खरीद ले और कंपनी की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कुशलता का लाभ उठाए। भारत में एप्पल फोन की असेंबलिंग साल 2017 से की जा रही है। पहले विस्ट्रॉन और फिर फॉक्सकॉन ने भारत में एप्पल फोन के लिए असेंबलिंग यूनिट लगाई। आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग भी यही होती है। टाटा ग्रुप मतलब वो नाम जो सुई से लेकर हवाई जहाज और नमक से लेकर स्टील तक बनाता है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐसे में टाटा का आईफोन प्रोडक्शन की तरफ कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक टाटा ग्रुप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी पैठ बनाना चाहता है। एप्पल भी लंबे वक्त से आईफोन प्रोडक्शन को चीन से बाहर के देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत में भले ही 2017 से आईफोन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नए मॉडल का प्रोडक्शन चीन लॉन्च से एक दो माह पीछे ही होता है। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन कॉर्प की साझेदारी भारतीय कंपनी को आईफोन प्रोडक्शन में भागीदार बना देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।